प्रॉपर्टीज के बाद अगले जो हाइड्रोकार्बन हैं हाइड्रोकार्बन जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें बेसिकली चार पार्ट्स आते हैं तो एल्केन्स के बाद हम स्टडी करते हैं एल्कीन्स एल्कीन्स होते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें कहीं डबल बॉन्ड होता है और इनका जनरल फॉर्मूला होता है सी तो कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होगा ही तो सबसे पहले ये आइसोमेरिज्म कौन कौन सी टाइप का शो करेंगे तो थोड़ी बहुत उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन लेते हैं सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म तो लाइक एल्केन्स एल्कीन्स भी चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं तो इसकी मैं सीधी एक एग्जाम्पल ही लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेंट वन इन या वन पेंटीन और इसका चेन आइसोमर होगा जिसमें हम कार्बन कार्बन चेन को ही चेंज करेंगे तो यहां पर आप देख सकते देख सकते हो इट विल बी कॉल्ड आइसो पेंटीन कॉमनली और आई नेम इसका होगा थ्री मिथाइल ब्यूट तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है सिर्फ कार्बन कार्बन चेन का डिफरेंस है इसमें स्ट्रेट चेन है और यहां पर ब्रांच चेन है फिर चेन आइसोमेरिज्म के बाद दूसरी टाइप का आइसोमेरिज्म ये शो करते हैं दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसमें पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट यानी कि यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो डिफरेंट होगी जैसे यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे ही डबल बॉन्ड है और इधर सेकंड कार्बन के साथ हमने डबल बॉन्ड बनाया है तो ये दोनों हैं एग्जांपल्स ऑफ पोजीशन आइसोमर्स तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये स्टीरियो uh, केमिस्ट्री में कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजिशन ऑफ दि सब्सटीचुएंट दैट इज मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स फिर ये फंक्शनल आइसोमर्स शो नहीं करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म हाँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म जरूर शो करते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म तो ये भी हमने पहले स्टडी किया था तब मैंने बताया था कि एंड साइक्लो एल्केन्स आर रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर जैसे ये है ब्यूटीन ब्यूटीन है ओपन चेन एल्कीन है एंड दिस इज ए साइक्लो एल्केन दोनों का जनरल दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है सी फोर एच एट पर एक में ओपन चेन है और मल्टीपल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है एल्कीन है और दूसरा साइक्लो एल्केन है तो इस तरीके से ये इन तीन टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं फिर इसके बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो एल्की होते हैं ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म तो डबल बाउंड के अराउंड रोटेशन नहीं होगी इसलिए डबल बाउंड के अराउंड ये कन्फर्मेशन शो नहीं करेंगे सिंगल बाउंड के अराउंड तो कहीं भी हो जाती हैं उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो डबल बाउंड वाले कंपाउंड होते हैं या हैं वो डेफिनेटली शो करते हैं वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे जो कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फुलफिल करते हैं तो इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमने इनकी प्रॉपर्टीज की डिस्टिंक्शन भी की थी कि जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं एक सिस आइसोमर और दूसरा ट्रांस आइसोमर तो यहां पर सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इसलिए ये है सिस ब्यूटुन एंड दिस मॉलिक्यूल इज ट्रांस ट्रांसब्यूटुइन तो इनके जो स्ट्रक्चरल फीचर्स के अकॉर्डिंगली हमने इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखा था वो क्या था कि द सिस आइसोमर इज मोर पोलर देन ट्रांस आइसोमर फिर मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस आइसोमर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस आइसोमर और बॉइलिंग पॉइंट सिस आइसोमर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर तो इस तरीके से जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो जो शो करते ही करते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिर्फ वही एल्किस शो करेंगे जिनकी स्ट्रक्चर होगी काइरल तो इस आइसोमेरिज्म के बाद हम करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिप्रेशन तो एलकीन में आप लिख सकते हो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन तो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में हम कई डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स स्टडी करेंगे सबसे पहला है जिसमें बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ न है जिसमें का एक हाइड्रोजन जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन क्लोरीन है यहां पर तो इसमें अगर हम ऐड करें के अल्कोहलिक अल्कोहलिक का मतलब कि डिजॉल्व इन अल्कोहल तो ये

जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है उससे बन जाता है एल्कीन प्लस वाटर। तो इस तरह से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है अब इस रिएक्शन को हम कहेंगे क्या अगर मैं इसी रिएक्टेंट को थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखूं कि यहां पर लिख ली हाइड्रोजन और यहां पर लिख ली क्लोरीन तो एक मॉलिक्यूल से क्लोरीन भी और हाइड्रोजन भी रिमूव की गई है लॉस और रिमूवल के लिए हम प्रीफिक्स डी यूज करते हैं और हाइड्रोजन भी रिमूव की हेलोजन भी रिमूव की इसीलिए इस रिएक्शन को डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहा जा सकता है डीहाइड्रो हाइड्रोहेलोजिनेशन तभी इस रिएक्शन को हम कहते हैं अब जो डीहाइड्रोहलोजीशन है ये प्रोसीड कैसे करती है तो मैं सबसे पहले इस क्लोरोइथेन मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल लेकर ही एक्सप्लेन करूंगा इसमें हमने ऐड किया है के ओ एच अल्कोहलिक दैट इज अल्कोहल में डिजोल्व करके तो के ओ एच बींग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल बी कंप्लीटली आयोनाइ टू गिव के पॉजिटिव आइंस एंड ओ एच नेगेटिव आइन्स तो के पॉजिटिव आइंस यहां से सी एल नेगेटिव को खींच लेंगे तो एक तो बन जाएगा KCl. ये तो बन गया फिर इसके साथ इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन था कार्बन का तो उसका लॉस हो गया एक इलेक्ट्रॉन का तो वी गेट ए प्राइमरी कार्बो और कार्बोकेट आयन जो होते हैं, और तो यहां पर ये जो कार्बोकेट आयन बना इसमें ओ OH एच नेगेटिव जो बचा था अल्कोहलिक ये एक वेरी स्ट्रॉन्गली बेसिक होता है क्योंकि अल्कोहल जो है वो ओ OH एच नेगेटिव आयन की सॉल्वेशन ज्यादा नहीं कर पाती इसलिए OH नेगेटिव काफी ज्यादा एक्सपोज्ड होता है और इसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है टू एब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटोन और यहां पर जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के नेक्स्ट कार्बन है उसमें हाइपर कंजुगेशन के कारण बॉन्ड्स होते हैं वीक और पार्शियल ये आपने हाइपर कंजुगेशन में भी स्टडी किया था जब हम कहते थे कि एलीलिक सब्स्टिट्यूशन इज फैसिलिटेटेड तो हाइपर कंजुगेशन वाली स्ट्रक्चर्स बनाते टाइम पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के नेक्स्ट कार्बन के जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स हैं वो पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं तो यहां से ओ एच नेगेटिव जो है वो इजीली एक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो इस तरीके से ये वाला जो हमारे पास देख सकते हैं हम कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड था ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इधर को पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और दोनों कार्बन एटम्स में डबल बॉन्ड बन जाएगा और प्लस हो जाएगा वाटर तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करती है ओ एच नेगेटिव आयन की टेंडेंसी टू ए प्रोटोन बहुत ज्यादा होती है तो ये हमें पता ही है फिर इसके बाद जो मैंने सिंपलेस्ट हेलो एल्केन लेकर उसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की अब अगर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हम स्टडी करें इन केस ऑफ हायर हेलो एल्केन्स जैसे ये वाला कंपाउंड है टू ब्रोमोब्यूटेन टू इट इफ वी ऐड केएचएल को कोहलिक तब क्या होगा तो अभी आपने मैकेनिज्म में देखा था कि पहले के पॉजिटिव यहां से Br नेगेटिव को ले जाता है अब जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो अटैच्ड हो उसको अल्फा कार्बन कहा जाता है और उसके नेक्स्ट कार्बन को बीटा फिर गामा इसी तरह से ये भी एक बीटा कार्बन ही है जब हमारे पास हो हेलो एल्केन जिसमें एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स की बीटा कार्बन अवेलेबल हों तो उसमें से अगर अब कहा से हाइड्रोजन जाएगा इस बीटा से कि इस बीटा से मैं इसको बीटा डैश कह के, के थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेता हूं तो अब हाइड्रोजन कहां से जाएगा <coughs> तो ये देखने के लिए हम कह सकते हैं कि ये ब्रोमीन तो गया यहां से फिर हाइड्रोजन ने या बीटा से जाना है या बीटा डैश से जाना है अगर बीटा कार्बन से जाए हाइड्रोजन तब एल्कीन बनेगा ये वाला यानी कि इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और अगर बीटा डैश कार्बन से जाए हाइड्रोजन तब हमारे पास ये वाला एल्कीन जो है है वो बना करता है और प्लस के बी आर एंड वॉटर तो बनेगा ही बनेगा अब इन दोनों एल्कीन्स में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा तो ये भी हमने हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशंस में पढ़ा था मोर एल्कीन मोर स्टेबल इट इज़ तो यहां पर डबल इ्बन के साथ दो दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो दिस वन इज़ मोर दिसका और यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है और फर्स्ट कार्बन के साथ सिर्फ दो ही हाइड्रोजन है तो इसलिए हाइपर कंजुगेशन पहले एल्कीन में ज्यादा होगी और इसी कारण ये ज्यादा स्टेबल होने के कारण मेजर प्रोडक्ट भी होगा तो ये वाला एल्कीन जो है इट विल बी मेजर प्रोडक्ट और जो दूसरा है इट विल बी ए माइनर प्रोडक्ट और इसी इंफॉर्मेशन को हम स्टडी करते हैं अंडर सेट रूल अब ये वाला जो हेलो एल्केन है दिस इज अनसिमिट्रिकल हेलोएलकेन कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है उसके साथ दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स जो हैं, वो अटैच्ड हैं। तो आप लिख सकते हो सेट रूल ड्यूरिंग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अनसिमिट्रिकल हेलो एल्केन्स हाइड्रोजन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन इज लॉस्ट हाइड्रोजन फ्रॉम दैट बीटा कार्बन इज लॉस्ट विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जैसे इस बीटा के साथ दो हाइड्रोजन है इसके साथ तीन है तो दो कार्बन वाले से हाइड्रोजन जाएगा तो मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा हाइड्रोजन इज लॉस्ट फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो ये है सेट रूल तो माइनर प्रोडक्ट तो बहुत कम होता है इसको अगर हम मेंशन ना भी करें तब भी चलता है तो ये थी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन फिर इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है सेकेंड बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हेलाइड्स बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाई हेलाइट तो ये जैसे मैंने आप

जब दोनों हेलोजन नेबरिंग कार्बन के ऊपर अटैच होंगी तो उसको हम कहेंगे विसिनल डाई हेलाइड्स तो इस रिएक्शन के बारे आप लिख सकते हो विसिनल डाई डाइहेलाइड्स पर्टिकुलरली विसिनल डाइब्रोमाइड अंडरगो डी हेलोजिनेशन ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक इन इथेनोल तो जो विसिनल डाइहेलाइड है पर्टिकुलरली विसिनल डाइब्रोमाइड्स ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे इनमें अगर हम जिंक डस्ट एड करें इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल भी यूजफुल होगी तो जो जिंक है इट इज ए डाइवेलेंट मेटल और मेटल है तो इसने तो हेलोजन को लेकर जाना ही जाना है डाइवेलेंट होने के कारण ये दोनों ब्रोमीन एटम्स को ही दोनों हेलोजन को ही रिमूव कर लेगी एक बाउंड इस कार्बन का ब्रेक होगा एक बाउंड इस कार्बन का ब्रेक होगा तो दोनों कार्बन जो हैं ये आपस में एक बाउंड और फॉर्म करके एल्कीन बना लेंगी और प्लस हो जाएगा जेड एन बी आर टू तो कोई भी हमारे पास विसिनल डाइहेलाइड होगा तो वो जिंक के साथ रिएक्शन करके इस तरीके से एलकीन प्रिपेयर कर देगा फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हो ये वाला विसिनल डाइहेलाइड तो इसमें अगर हम जिंक डस्ट मतलब पाउडर फॉर्म में जिंक ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल तो वी गेट दिस एल्कीन प्लस बी आर टू ये चीज तो इस तरीके से हम बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड एल्कीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं तो फिर थर्ड एंड मोर इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आता है आप लिख सकते हो फ्रॉम अल्कोहल्स फ्रॉम अल्कोहल्स तो अब अल्कोहल से एल्कीन बनाना है मतलब अल्कोहल से हम वाटर रिमूव करेंगे तो रिएक्शन विल बी डिहाइड्रेशन रिएक्शन डिहाइड्रेशन हम अब दो तरीके से कर सकते हैं कैटेलिटिक और केमिकल तो इसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन में आप ए पार्ट लिख सकते हो बाय हीटिंग विद एल्यूमिना बाय हीटिंग विद एलुमिना फॉर एग्जांपल दिस इज ए मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल अल्कोहल इसकी डिहाइड्रेशन हम करेंगे

और एल टू ओ थ्री जो है वो रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता इसलिए इस मेथड को हम कैटेलिटिक डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं और इसके बाद आता है इसी डिहाइड्रेशन का ही दूसरा पार्ट बी पार्ट डिहाइड्रेशन विद मिनरल एसिड्स डिहाइड्रेशन विद मिनरल एसिड मिनरल एसिड लाइक एच टू एसओ फोर तो यहां पर थोड़ी सी समझ कर करने वाली रिएक्शन है कि जैसे है हमारे पास इथेनॉल, विच इज ए प्राइमरी अल्कोहल तो इसकी अगर डिहाइड्रेशन हम करें तो इसके लिए 95 फाइव परसेंट एच टू फोर मतलब वेरी हाईली कंसेंट्रेटेड एच टू फोर यूज करना पड़ता है 443 डिग्री uh, 443 केल्विन पे ये रिएक्शन होकर बन जाता है एलकीन प्लस वॉटर तो पहले थोड़ा सा इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें हम अगर एच टू एसओ फोर बींग स्ट्रॉन्ग एसिड गेट्स ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट आयोनाइ एज दिस बनते हैं ये जो एच पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल है तो ये अटैक करेगा ओवर ऑक्सीजन एटम ऑफ अल्कोहल जिसके ऊपर दो दो लोन पेयर भी हैं और पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होता है तो इस तरीके से जो H पॉजिटिव बना इट विल अटैक ओवर दिस स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन तो वहां पर जाकर ये फॉर्म करेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल अल्कोहल जिसमें प्रोटोन एक ऐड हो चुका है तो आप देखो यहां पर यहाँ पे लोन पेयर इज एक्सक्लूसिवली ओवर ऑक्सीजन पर जब ये एच पॉजिटिव ने जाके बॉन्ड बना लिया तो वन इलेक्ट्रॉन गोज टू देयर ऑफ हाइड्रोजन तो था वो ऑक्सीजन का तो इस तरीके से ऑक्सीजन का तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया अगर ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैली में एटम जो है इस स्ट्रक्चर में इस हमारे पास अरेंजमेंट में वही इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हो जाए उसी से ही कोई इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाए तो ये बड़ी अनस्टेबल सिचुएशन होगी मतलब यहां से वॉटर मॉलिक्यूल जो है दैट विल बी इमीजिएटली लॉस्ट तो ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनी इससे वॉटर जो है दैट इज इमीजिएटली लॉस्ट प्लस हो जाएगा वॉटर इस तरीके से तो ये जो कार्बोकेटाइन बना अब नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो लूज करेगा ये आपको पता है हाइपर कंजूगेशन में भी हमने ये स्टडी किया था कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो नेबरिंग कार्बन के जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेती है यानी कि इन बॉन्ड्स को पार्शियल कर देगी तो ये सी एच थ्री वाले तीनों हाइड्रोजन जो हैं, दीज विल बी क्वाइट लूजली हेल्ड तो अब जो एच फोर नेगेटिव बचा था इनायन बना था वो क्या करेगा यहां से एक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इधर को तो ये पाई जो सिंगल बॉन्ड था बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन ये दोनों कार्बन एटम्स में बन जाएगा एंड वी विल गेट एन एल्किन प्लस एच टू एस फोर तो एच टू एस फोर विल बी रीजनरेटेड इन द लास्ट स्टेप तो इस तरीके से एसिड हेयर एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट तो इस डिहाइड्रेशन को हम एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन भी कहते देते हैं तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में आगे अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो कहां से गया अगर मैं इस कार्बन को ब्लू पेन से शो करूं ये है बीटा कार्बन दिस वन इज अल्फा और उसके बाद बीटा तो यहां पर है ये बीटा कार्बन ये कार्बन है बीटा ये है बीटा कार्बन और इस स्ट्रक्चर में है ये वाली और यहां पर है ये बीटा कार्बन तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन कहां से गया हाइड्रोजन रिमूव होता है फ्रॉम बीटा कार्बन तो देअर फॉर इट इज ए बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन तो आप लिख भी सकते हो एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स लाइक डीहाइड्रोहलोजिनेशन इज ए बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन एंड इनकेस ऑफ डिफरेंट अल्कोहल प्रोसीड एज प्राइमरी अल्कोहल में तो आपने देखा है अभी कि हमें जो नाइट्रिक एसिड है वो थोड़ा बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड चाहिए नाइन्टी फाइव परसेंट एच टू एस ओ फोर और हाई टेम्परेचर ऑफ फोर फोर्टी थ्री कैलोविन इज टू बी यूज इस तरीके से डिहाइड्रेशन होने के साथ एल्कीन जो है है। वो बन जाता है। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल यूज करें तो पहले इसकी इस अल्कोहल की प्रोटोनेशन होगी फिर यहां से लॉस ऑफ वॉटर होगा एंड वी विल गेट ए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में से फिर बीटा एलिमिनेशन होगी तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन क्योंकि प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है इसलिए ज्यादा रेडिली फॉर्म हो जाता है तो इस केस में हमें सल्फ्यूरिक एसिड भी थोड़ा कम कंसेंट्रेटेड चल जाता है और टेम्परेचर भी पहले से लो अबाउट फिफ्टी डिग्री सेल्सियस लो यानी कि 373 सेवनटी कैलोविन पर यह रिएक्शन चल जाती है और यहां पर हमें ऑब्टेन होता है दिस प्रोपीन प्लस वाटर फिर अगर हम टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करें तो इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा दैट विल बी ए टर्शरी कार्बोकेटाइन विच बीइंग मोस्ट स्टेबल विल बी मोस्ट रेडिली फॉर्मड इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड की कंसेंट्रेशन हम और कम यूज कर सकते हैं और टेम्परेचर भी और लो टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाती है तो इस तरीके से डिहाइड्रेशन रिएक्शन से हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी जो हैं वो भी बना सकते हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स तो यहां पे भी वही आ, सेट रूल भी फॉलो होगा तो आप लिख सकते हो दो लाइने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स Is also a beta elimination reaction and proceeds according to Setzeff's rule. Setzeff's rule. फिर डिहाइड्रेशन के लिए सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही नहीं और मिनरल एसिड भी हम यूज कर सकते हैं जैसे अगर हम ये साइक्लोहेक्सेनोल की एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय इवन फॉस्फोरिक एसिड इज आल्सो यूजफुल तो इससे बन जाती है साइक्लोहेक्सीन प्लस वाटर और अगर एल्कीन को हमें लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना हो बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन तो उसमें हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एलकीन अ मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड एच टू एसओ फोर एंड अल्कोहल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एंड सैंड टू गेट एल्कीन तो लेबोरेटरी प्रेपरेशन में रिएक्शन जो है वो होगी तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही कि हम अल्कोहल में कंसेंट्रेटेड एच टू एस हीट करेंगे फोर फोर्टी थ्री कैलोविन और प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन प्लस वाटर रिएक्शन तो वही है बस इतना है कि अब हमने रिएक्शन मिक्सचर में एल्यूमिनियम सल्फेट एंड सैंड को भी ऐड किया है सैंड और एस आईओ टू तो इसके बारे में आप लिख सकते हो एल्यूमिनियम सल्फेट कैटेलाइजेज द रिएक्शन एंड सैंड चेक्स द फॉर्मेशन ऑफ एंड सैंड चेक्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉथ फिर लेबोरेटरी प्रिपरेशन में कई बार ऐसे हो जाता है कि H2SO4 है तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आता है प्लस सिक्स तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस सिक्स हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉर सल्फर तो जब हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो देन दी कंपाउंड कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद रिड्यूस भी हो सकता है अगर ये रिड्यूस होगा तो इससे गैस बनेगी हमारे पास SO2 और अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन होगी तो बन जाएगी CO2 तो आप हम लिख सकते हैं दउट गोइंग गैशियस मिक्सचर कंटेन्स इथिलीन कॉमासू और इसके साथ ब्रैकेट में आप लिख लो फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ब्रैकेट बंद फॉर्मड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड एसओ टू फॉर्म्ड बाय रिडक्शन ऑफ एच टू एसओ फोर तो इस तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसमें इस इथिलीन के साथ साथ सीओ टू भी होगी और एसओ टू भी होगी पर अगर हमें चाहिए प्रोडक्ट प्योर इथिलीन तो हमें इन दोनों इंप्योरिटीज को रिमूव करना पड़ेगा तो इसीलिए ही हम जो आउटगोइंग गोइंग गैशियस मिक्सचर है उसको पास करते हैं थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ एनएओएच और केओएच। टू रिमूव सीओ टू एंड एसओ टू

CO2 और NaOH आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे Na2CO3 प्लस वाटर और इसी तरीके से SO2 टू प्लस टू मोल्स ऑफ एन एच दे विल रिएक्ट टूगेदर टू फॉर्म एन ए टू एस ओ थ्री प्लस वाटर तो इस तरीके से एल्किज में हम एल्की को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स तो इस हाँ, इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन में भी आपने स्टडी किया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स क्या होगा तो आप लिख भी सकते हो दर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल इज टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी उससे कम है और प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम होती है तभी प्राइमरी अल्कोहल वाले केस में हमने सल्फ्यूरिक एसिड भी सबसे ज्यादा कंसेंट्रेटेड यूज किया था और टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा हाई हमने यूज किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में नेक्स्ट मेथड आता है फ्रॉम एल्काइन्स फ्रॉम एल्काइन्स एल्काइन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उस ट्रिपल बॉन्ड को हम रिड्यूस करेंगे तो सिंगल डबल बॉन्ड तक ही करना है वैसे ये आपने एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी पढ़ा था कि अगर हम कैटेलिटिक रिडक्शन करें एल्काइन की जैसे से हम बिर्च रिडक्शन करें 525 ट्वेंटी फाइव टू फाइव सेवेंटी तक हीट करें इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम और पेलेडियम तो पहले स्टेप पे बनती है इथीन, विच इज इमीजिएटली रिड्यूस्ड फर्दर टू इथेन तो इस तरीके से अगर हम रिडक्शन करें तो एल्कीन स्टेज पर रिडक्शन को स्टॉप करने का कोई तरीका नहीं होता मतलब रिडक्शन जो है इट प्रोसीड्स फर्दर अप टू तो यहां पर एंड प्रोडक्ट होगा एल्केन ही एल्कीन को हम आइसोलेट इस तरीके से नहीं कर सकते तो अब एल्काइन से बनाना है और एल्कीन ही बनाना है मतलब हमें रिडक्शन को स्टॉप करना होगा एट एल्कीन स्टेज तो उसके लिए हम थोड़ी सी स्पेशल कंडीशंस यूज करेंगे हमारे पास दो तरीके होते हैं जिससे हम एल्कीन स्टेज तक ही रिडक्शन को स्टॉप कर सकते हैं तो उन दोनों की जो खास खासियत है वो भी मैं आपको इसी एक रिएक्शन से एक्सप्लेन करूँगा इसमें अगर मैं लिंडलर्स कैटलिस्ट ऐड करूँ थोड़ा एक सिंगल रिएक्शन में ही हम सारी बात कंसिडर कर लेते हैं ये लिया हमने ब्यूट टू आइन इसमें अगर एच टू एड की जाए इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट तो लिंडलर्स कैटलिस्ट जो होता है वो हाइड्रोजन की एडिशन करता है सिस वे में मतलब जो आपके पास एल्कीन बनेगा दैट विल बी एस एलकीन तो इस केस में हाइड्रोजन जो ऐड होती है दो हाइड्रोजन एटम ऐड होते हैं दीज आर ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड इस तरीके से इसके आगे रिडक्शन जो है वो नहीं होती तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज लिंडलर्स कैटलिस्ट तो आप लिख सकते होटलिस्ट ये क्या होता है पेलेडियम सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पेलेडियम सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट प्वाइजनड बाय सल्फर और क्वीनोलिन Palladium का पाउडर हम बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर बिछा लेंगे और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा मतलब कैटलिस्ट है काफी स्ट्रॉन्ग तो तब हाइड्रोजन की रिडक्शन जो है वो एल्कीन स्टेज को भी क्रॉस कर जाएगी अप टू एल्केन चलेगी पर अगर हम कैटलिस्ट की पॉइजनिंग कर दें बाय सल्फर और क्विनोलिन तो तब जो रिडक्शन है दैट स्टॉप्स एट दी एल्कीन स्टेज ओनली

कोई डिफरेंस नहीं पड़ता पर बड़े के केस में नो डाउट पड़ता है अगर हम इसमें ऐड करें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया तो इस रिएक्शन को कहा जाता है बिर्च रिडक्शन अगर हम इस तरह से रिडक्शन करें तो बिर्च रिडक्शन में जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है दैट इज इन दिस कि जो आपका एल्कीन बनेगा विल बी सॉरी ट्रांस आइसोमर लिंडलर्स कैटलिस्ट के टाइम सिस एडिशन होती है और बिर्स रिडक्शन करें अगर हम तब ट्रांस एडिशन हुआ करती है हमेशा तो इस तरीके से हम एक तो एल्काइन से एल्कीन स्टेज पर ही रिडक्शन स्टॉप कर ली और दूसरा जो भी रिक्वायर्ड आइसोमर है ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय दिस मेथड फिर इसके बाद लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है एल्काइन का दैट इज बाय या इलेक्ट्रोलिटिक मेथड तो कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलोसिस आपने एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी किया था जब हम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं इन तो इट्स अब हम पोटेशियम सोल्ट ऑफ डाई जैसे होता है हमारे पास मेलिक सॉरी uh, सुक्सिनिक एसिड तो यहां पर मैं लिख रहा हूं अगर हम ये वाला एसिड देखें तो दिस इज कॉल्ड सुक्सिनिक एसिड और इसका KOH के साथ सॉल्ट बनाए अगर तो दीज हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम तो इट विल बी कॉल्ड पोटेशियम सुक्सीनेट इसके एक्वा सोल्यूशन का हमें करना है इलेक्ट्रोलोसिस तो प्लस करेंगे फोर मोल्स ऑफ वाटर और करेंगे इसका इलेक्ट्रोलोसिस तो क्या प्रोड्यूस होगा सबसे पहले यहां से एक सीओ टू यहां से जाएगी एक सीओ टू यहां से जाएगी सीओ टू निकल जाएगी और फिर यहां पर दोनों में डबल बॉन्ड आएगा तो यहां पर एक बनेगा मॉलिक्यूल, इथिलीन का एल्कीन जो रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट प्लस जो मैकेनिज्म आपने एल्केन्स में जैसे किया था कि हमारे पास एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होती है रिडक्शन तो पहले इनकी आयोनाइजेशन होगी के पॉजिटिव अलग और दोनों ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज फिर ये एनायन जाएंगे एनोड पे वहां पर होगी ऑक्सीडेशन तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 जो है दो विल बी लॉस्ट एट दी एनोड ओनली फिर H के पॉजिटिव और एच पॉजिटिव जाएंगे कैथोड पर तो वहां पर हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण हाइड्रोजन की हो जाती है रिडक्शन के पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में ही रहते हैं और टू मोल्स ऑफ दीज के पॉजिटिव और यहां से दो ओ OH ग्रुप्स मिलेंगे वाटर से तो ये बना देंगे टू मोल्स ऑफ के तो इस तरीके से बाय कॉल्स इलेक्ट्रोलोसिस हम एल्कीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप चाहो तो मैं मकैनिज्म भी आपको इसका शो करके बता देता हूं तो मकैनिज्म में ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी मैंने पूरी पूरी दिखाई तो सबसे पहला स्टेप होगा पोटेशियम सुक्सीनेट की आयोनाइजेशन जब हम इसको एक्वस मीडियम में डिजोल्व करेंगे से वॉटर में तो देन इन फर्स्ट स्टेप आयोनाइजेशन विल टेक प्लेस एंड वी विल गेट ए आयन एंड पोटेशियम आयन प्लस टू के पॉजिटिव एक्वस इस तरीके से फिर ये हैं इन आयन तो दीज विल मूव टू एनोड एंड व्हाट हैपन्स एट एनोड एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है यही चीज आपने रिडॉक्स रिएक्शंस में भी सीखी थी कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन हुआ करती है चार्ज चाहे जो मर्जी हो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो क्योंकि दो तरह के हमारे पास सेल्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो उनमें चार्जेस डिफरेंट होते हैं एनोड और कैथोड पर तो यहाँ पर एनोड पे हुआ करती है ऑक्सीडेशन तो ये हमारे पास है स्पीशीज दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच नेगेटिव चार्ज है दोनों के ऊपर तो यहां से जो एनोड है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा तो इस से से इस आयन से, दोनों नेगेटिवली ऑक्सीजन जो हैं, वो एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगी तो अब आप देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन बचे उनके ऊपर एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है यानी कि दोनों ऑक्सीजन एटम्स में सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं वेलेंस शेल पे इसलिए क्वाइट अनस्टेबल होगा फिर यहां से यह चाहे अब ऑक्सीजन जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन तो ऑक्सीजन तो वैसे ही कार्बन से इलेक्ट्रॉन जो है वो विड्रॉ किया करती है पर जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो फिर तो वो बुरी तरह से कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगी अब कार्बन इस कार्बन के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं पर क्योंकि ऑक्सीजन है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसलिए जो कार्बन का दूसरी कार्बन के साथ बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक करके एक इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करवा देगी इस तरीके से जो दोनों यहाँ पे बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगे इनका होमोलिसिस होगा यानी कि दो इक्वल पार्ट में बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले सी एच टू वाली कार्बन पे आएगा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन नीचे वाली कार्बन पे आएगा दोनों में ये इलेक्ट्रॉन शेयर होकर एक और बॉन्ड बना देंगे यानी कि डबल बॉन्ड बनेगा एंड इन सिमिलर वे यहां पर बन जाएंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सीओ टू तो ये चीजें जो ये स्टेप्स होंगे एट दी एनोड और कैथोड पर तो सिंपल वही रिडक्शन होनी होती है कि के पॉजिटिव और एच पॉजिटिव में से किसकी होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि नेगेटिव सॉरी जीरो है और अल्कली मेटल्स का नेगेटिव होता है जैसे पोटेशियम है तो इसलिए हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण कैथोड पर हाइड्रोजन एच पॉजिटिव की रिडक्शन होकर हाइड्रोजन गैस जो है वो फॉर्म हो जाती है तो इस तरीके से जो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हैं गेट फिनिश्ड तो मेथड्स ऑफ के बाद हम स्टडी किया करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं एल्किन्स की दीज विल बी क्वाइट सिमिलर टू एल्केन्स बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा जैसे सबसे पहले आप सोलिबिलिटी स्टडी करते हो तो सोलिबिलिटी में एल्केन्स भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते भी नहीं करते एल्काइन्स भी नहीं करते मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन किसी किस्म का वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता तो इसलिए वाटर में सभी तरह के हाइड्रोकार्बन जो हैं वो इन होंगे और जो कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें तो नो डाउट सोलिबल होंगे ही तो so, सोलिबिलिटी में आप लिख सकते हो इनसॉल्यूबल इन वॉटर बट सोल्यूबल इन कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स तो वही चीज वही डिटेल पूरी जो एल्केन्स में आपने लिखी थी फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स अब एल्किस हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो एल्केन के कंपैरेटिवली इनमें जो वेंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं वो क्यों क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो एक लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये इजीली पोलराइजेबल होता है तो इस तरीके से इंस्टेंटेनियस डाइपोलज और इंड्यूस्ड डाइपोलज थोड़ी फास्ट और थोड़े स्ट्रांग बनते हैं तो तभी इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स एंड इंड्यूस डाइपोल्स थोड़ी ज्यादा होती है तो इसीलिए ही इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से थोड़े ज्यादा होंगे तो आप लिख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हेडिंग तो उसमें हायर देन देन एलकेर एल्केन्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मोर पोलराइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो एल्किस के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो एलकेन से ज़्यादा होंगे और जब हम आइसोमेरिज्म स्टडी कर रहे थे तब भी आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किए थे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखी थी उनमें एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो आइसोमर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट जब हम देखते हैं तो वो ट्रांस आइसोमर का ज्यादा होता है तो बाकी इनके मेल्ट जो भी हैं ये पॉइंट्स नो डाउट से तो ज्यादा होंगे ही तो आप ये भी लिख सकते हो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर इज हायर वाइल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेमर इज मोर तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी एलकींस जो हम कैटेगरी कर रहे हैं अभी कंपाउंड्स की तो उनमें सबसे पहले आप करते हो स्टडी एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन की भी आगे कई टाइप्स होंगी अब पहले एडिशन रिएक्शन जो भी हैं एल्किस की और यही चीज आप स्टडी करोगे एल्काइन्स में भी तो एडिशन रिएक्शन जो एलकींस की हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होंगी नेवर न्यूक्लियोफिलिक क्यों क्योंकि अल्कीन में है एक पाई बॉन्ड तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है एंड बिलो प्लेन कंटेनिंग एटम लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नेगेटिवली पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और आप जानते हो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ इलेक्ट्रोफाइल्स ही अट्रैक्ट होंगे जो आएंगे विल बी न्यूक्लियर बाय आएंगे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इसीलिए ही जो भी एडिशन रिएक्शन होंगी एल्की में या एल्काइन्स में दिज विल ऑलवेज बी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर तो आप लिख सकते हो एलकींस शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बिकॉज द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिकॉज द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एल्कीन पोलराइज दी इनकमिंग मॉलिक्यूल सॉरी तो यही हम मैकेजम भी थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक होती है जब हम एडिशन ऑफ हेलोजन करेंगे तो इनमें सबसे पहली रिएक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ये रिएक्शन आपने एल्कीन एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पड़ी थी कि इनमें अगर हम H2 ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम और पैलेडियम टेम्परेचर रेंज हम रखते हैं 525 टू तो 575 केल्विन तो तब हाइड्रोजन जो है वो ऐड अप हो जाती है एल्कीन मॉलिक्यूल में और इसको कन्वर्ट कर देती है इनटू एन एल्केन <coughs> तो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में इस तरीके से हम एल्केन बना सकते हैं बाय एडिंग हाइड्रोजन फिर सेकेंड रिएक्शन है विच इज समवट मोर इंपॉर्टेंट दैट इज एडिशन ऑफ हेलोजन तो एडिशन ऑफ हेलोजन भी बिल्कुल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के जैसे ही प्रोसीड करेगी जैसे मैं Cl2 ऐड करूं कोई नॉन पोलर नॉन एक्व सॉल्वेंट जैसे Cl2 मैंने ऐड किया तो जो क्लोरीन है इनकमिंग क्लोरीन वो भी इसी में ही अप हो जाएगी जस्ट लाइक हाइड्रोजन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को एक एक क्लोरीन मिल जाएगी और जो ब्रोमिनेशन होती है वो भी बिल्कुल सिमिलर वे में ही प्रोसीड करती है और ब्रोमीन आपको पता है लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे एक रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है तो इसको अगर हम इसमें एल्कीन में एडअप्ट करें तो वी गेट ए विसिनल डाइब्रोमाइड दैट इज कलरलेस तो इस तरीके से जो रेडिश ब्राउन कलर ऑफ द ब्रोमीन है दैट गेट्स डिस्चार्ज ड्यूरिंग द रिएक्शन अब ये जो रिएक्शन है यह प्रोसीड कैसे करती है इसका मैकेनिज्म मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जिससे आपको यह पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो एंड नेवर न्यूक्लियोफिलिक पहला स्टेप होगा थोड़ा स्लो जब ब्रोमीन Br2 मॉलिक्यूल इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अप्रोच करेगा तो नेचुरल बात है जो नेगेटिवली चार्ज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा पहले ब्रोमीन से जो इनकमिंग ब्रोमीन है उससे थोड़ी दूर कर देगा तो इसके ऊपर इस ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा जब यह Br2 मॉलिक्यूल जो है इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अप्रोच करेगा अब Br के ऊपर बना पॉजिटिव चार्ज तो यह आके यहां पर इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ अटैच होकर एक साइक्लिक हमारे पास बनाएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन और जो ब्रोमीन में सिंगल बॉन्ड था दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड ओवर वन ब्रोमीन एटम इस तरीके से वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है तो ये स्टेप जो है बी आर टू का अटैक ओवर दी एल्कीन मॉलिक्यूल ये थोड़ा स्लो होता है और फिर इसके बाद जो बी आर नेगेटिव बना अभी हमारे पास ब्रोमाइड या हेलाइड वो फिर अटैक करता है ओवर दिस साइक्लिक तो ये वाला स्टेप होगा फास्ट थोड़ा तो ये अटैक करेगा से हम सपोज करें अगर कि इस कार्बन पे तो जो ये ब्रोमीन के साथ थे इसने शेयर किए इलेक्ट्रॉन्स वो ब्रोमीन को ही ट्रांसफर हो जाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास ट्रांस एडिशन टाइप चीज होगी अब ब्रोमीन एक बल्कि एटम होता है बड़ा एटम है तो नो डाउट ये सामने से अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पर भी एक बल्कि ब्रोमीन एटम जो है वो प्रेजेंट है तो इसीलिए ये ब्रोमीन हमेशा बैक साइड अटैक ही करेगा तो इसीलिए ही जब कभी भी ब्रोमीन की एडिशन हम करेंगे तो ये ट्रांस एडिशन टाइप चीज होगी अब क्योंकि ये है तो सिंगल बाउंड बचा यहां पर तो इसलिए सिर्फ ट्रांस की इतनी अहमियत तो नहीं होगी पर ये आपको याद रखना है कि जो ब्रोमीन की एडिशन आप करोगे तो ये दो ऑपोजिट साइड्स पे जाकर ब्रोमीन जो है वो एडअप होते हैं तो ये हमें जरूरत पड़ेगी जब कभी हम साइक्लो में करेंगे इन हेलोजेंस की एडिशन। तो ये आपको पता है कि एडिशन रिएक्शन विद हेलोजें अगर हम कर रहे हैं तो हेलोजेंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है तो आप फिर से लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इज दिस क्लोरीन के साथ तो हम डायरेक्टली रिएक्शन करवाते नहीं है क्योंकि रिएक्शन हो जाती है एक्सप्लोसिव क्लोरीन की वाली मॉडरेट रिएक्शन होती है ब्रोमीन वाली भी कंपैरेटिवली सेम रेट पर ही लगभग चलती है अब जो आपने रिएक्शन लिखी थी जिस मर्जी एल्कीन को आप स्टडी करो जैसे मान लो कि मैं ये वाला एल्कीन अगर करूं कंसिडर तो इसमें अगर मैं रेडिश ब्राउन कलर की ब्रोमीन ऐड करूं रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है किसी नॉन पोलर नॉन एक्वा सॉल्वेंट में तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो होता है कलरलेस बिल्कुल कलरलेस प्रोडक्ट जो है वो बनता है इस तरीके से रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन गेट्स डिस्चार्ज्ड तो आप लिख सकते हो ड्यूरिंग एडिशन ऑफ ब्रोमीन सेंस द रेडिश ब्राउन कलर सेंस द रेडिश ब्राउन कलर गेट्स डिस्चार्ज ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर फॉर रिएक्शन विद ब्रोमीन मे बी यूज एज ए टेस्ट फॉर अनसेशन क्योंकि ब्रोमीन की या किसी भी हेलोजन की एडिशन वहीं पे होगी जहां पर मल्टीपल बॉन्ड है मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो इनमें से कोई भी होगा तो वहां पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगी ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा तो अगर हमें पता करना हो कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि अनसेचुरटेड हाइड्रोकार्बन है तो दो, हम जो भी हमारे पास सैंपल्स हैं उनमें थोड़ी थोड़ी रेडिश ब्राउन कलर की ब्रोमीन ऐड करेंगे जिसमें ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा दैट विल बी एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन भी हो सकता है एल्काइन भी हो सकता है एल्कीन और एल्काइन की डिस्टिंक्शन के लिए हम इस मेथड को नहीं यूज कर सकते पर अदरवाइज तो यूज होता ही है फिर इसके बाद आती है हमारे पास थर्ड रिएक्शन एडिशन ऑफ हेलोजन के बाद एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एच एक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे हेलोजन एसिड्स को अब हेलोजन एसिड्स कौन कौन से हैं एच एफ एच सी एल एच बी आर और एच आई इनमेंटिव होता है एच बी आर उससे कम एच उस सी सिर्फ पार्शली ही रिएक्ट करता है वो तो अगर हम स्टडी करें सबसे पहले एडिशन ऑफ एच सी एल तो पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं फिर इसका मैकेनिज्म आपको लिखकर समझाऊंगा तो एक तरफ चला जाएगा हाइड्रोजन तो यहां पर हो जाएगा सी एच थ्री दूसरी तरफ चली जाएगी क्लोरीन अब एल्कीन में एडिशन हुई है तो एडिशन रिएक्शंस मैंने आपको बताया है कि यह हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है नेवर न्यूक्लियोफिलिक तो यह रिएक्शन जो है ये प्रोसीड कैसे करती है मतलब इसका मैकेनिज्म क्या होगा तो ये मैं आपको अभी बताता हूं एच सी एल जो है

इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में आपको करवाया गया था प्लस ई इफेक्ट तो यहां पर वही सिचुएशन बन रही है कि एच पॉजिटिव दोनों में से किसी भी पाई बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है तो जैसे ही एच पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल इस पाई बॉन्डेड कार्बन को अप्रोच करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमीडिएटली ट्रांसफरड टुवर्ड्स दिस कार्बन मतलब इस कार्बन का जो एक वीक पाई बॉन्ड था दूसरी कार्बन के साथ वो बॉन्ड अब बन जाएगा बिटवीन कार्बन एंड द इनकमिंग हाइड्रोजन यानी कि फर्स्ट कार्बन के साथ अब तीन हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएंगे और दूसरी तरफ तो सी एच टू ही बचा अब इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का भी अगर इसको भी हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो दिस कार्बन विल लूज वन इलेक्ट्रॉन तो देअर फॉर इट विल एक्वायर वन पॉजिटिव चार्ज अब ये जो कार्बोकेट आयन बना इसके ऊपर इमीजिएटली जो हेलाइड आयन है जैसे इस एग्जाम्पल में क्लोराइड आयन है तो वो अटैक करके पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा तो मल्टी स्टेप रिएक्शन है नो डाउट पर जो पहला स्टेप था एडिशन इन एल्कीन इन केस ऑफ एल्कीन्स दी एडिशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो जो भी वो रिएक्शन को स्टार्ट करता है उसी से ही हम उस रिएक्शन का नाम लिखते हैं तभी हम इसको कहते हैं कि जो रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर और फिर इसी तरीके से अगर कोई भी हम सिमेट्रिकल एल्कीन लें सिमेट्रिकल एल्कीन होगा कि जिसमें पाई बॉन्ड के अराउंड दोनों तरफ सिचुएशन है सेम जैसे ये एचसीएल इस एल्कीन में ऐड करें हम तो इसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सिमिलर अरेंजमेंट है एटम्स की और ग्रुप्स ऑफ एटम्स की तो जिस तरफ मर्जी हाइड्रोजन भेज दो जिस तरफ मर्जी क्लोरीन भेज दो क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल अरेंजमेंट्स ही हैं टू क्लोरोब्यूटेन ही बनेगा इस केस में चाहे क्लोरीन इधर लगी हो चाहे क्लोरीन इधर लगी हो कोई डिफरेंस नहीं है पर जब हम अनसिमिट्रिकल एल्किन्स में एडिशन रिएक्शंस करते हैं तब हमारे पास सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है जैसे इस एल्कीन में प्रोपीन में अनसिमिट्रिकल है ये एक तरफ है डबल बॉन्ड के CH2 ग्रुप और दूसरी तरफ है ये CH CH3 ग्रुप डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है इसमें अगर मैं HCl ऐड करूं तो ये एक स्पेशल वे में होता है ऐड जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल तो यही प्रोडक्ट बनता है अब इसके बारे में आप लिख सकते हो पहले पहले आप लिख लो फिर मैं इसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा मार्कॉनिक रूल। अब ये जो मैंने एच सी किया है तो ये भी एक अनिट्रिकल जो भी है एजेंट है रिएक्टेंट है क्यों क्योंकि ये दो डिफरेंट पार्ट में ब्रेकअप होता है एक तरफ एच पॉजिटिव और दूसरी तरफ सी एल नेगेटिव तो इसीलिए ही इसको अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हम बोलेंगे तो आप लिख सकते हो मार्कोनिक रूल ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अन सिमिट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमिट्रिकल एलकी दॉजिटिव पार्ट ऑफ दटैकिंग रियजेंट जैसे यहां पर है एच सी एल तो ये आयोनाइज होता है एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव में तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट एच क्या है हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन गोज टू कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाइल नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ तो ये जो मैंने आपको बोला अभी ग्रेटर नंबर और लेसर नंबर ये हमें देखने होते हैं सिर्फ पाई बाउंडेड कार्बन पे ही जैसे इन दोनों कार्बन को कंपेयर करना है कि इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं इसमें लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं ये नहीं कहना कि इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को सी के पास भेज दो तो आप कोई भी अनसिमिट्रिकल एल्कीन ले लो और उसमें कोई मर्जी हेलोजन एसिड ऐड करो बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होगी जैसे अगर हम ये वाला एल्कीन लें, तो नेचुरल बात है अनसिमिट्रिकल है डबल बॉन्ड के एक तरफ कुछ और है ग्रुप ऑफ एटम्स और दूसरी तरफ कुछ और है इसमें अगर मैं एच आई एड करवाऊ एच आई भी अनसिमिट्रिकल रिएक्टेंट है क्योंकि ये भी एच पॉजिटिव और आई नेगेटिव दो डिफरेंट पार्ट में ब्रेकअप होगा अब ये अनिट्रिकल है तो डबल बॉन्ड के आप देख सकते हो दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैं तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट दैट इज हाइड्रोजन विल गो टू कार्बन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसमें यहां पर CH की बजाय CH2 हो जाएगा और नेगेटिव पार्ट ऑफ दी अटैकिंग रिएजेंट दैट इज आई नेगेटिव इट विल गो टू दी कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो आई हमारे पास ये बनेगा तो इस तरीके से वी विल गेट ए टर्शरी हेलोवेलकेन एज दी मेजर प्रोडक्ट तो माइनर प्रोडक्ट तो दूसरा भी बन जाता है किसी किसी केस में आई यहां पे भी लगेगा पर उसकी परसेंटेज जो है वो बहुत कम होगी तो इस तरीके से आपने जो मार्कॉनिक रूल है वो स्टडी किया कि ये किस तरीके से प्रोसीड करता है